नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में ओल्डिंग के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ओल्डिंग एक्चुअली क्या है और ओल्डिंग में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिससे कि कोई भी दो मटेरियल को या दो वर्कपीस को हम लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं वीडियो में आता हूँ। तो दोस्तों ओल्डिंग को जानने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई मशीन या कोई मशीन के पार्ट्स को रेडी किया जाता है, बनाया जाता है, तो वो किन किन प्रोसेस से होके बनता है। सबसे पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसे दोस्तों कोई भी इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो तीन तरीक़े से होता है। जैसे कि मान लीजिए पहला है आपका कास्टिंग, या दूसरा है फॉर्जिंग। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये जो मशीन का पार्ट्स हम लोग रेडी करते हैं तो उसमें एक प्रोसेस है कि कास्टिंग किया जाता है या फॉर्जिंग किया जाता है। ये कास्टिंग में क्या है तो होता है दोस्तों कि इसमें सिर्फ जो भी मटेरियल हमको रेडी करना रहता है या जो भी पार्ट्स बनाना रहता है बस उसका शेप को हम लोग देते हैं और वो मेरा पार्ट्स बन जाता है। दूसरा फॉर्जिंग में भी सेम कंडीशन से मटेरियल को हीट करके उसको पीट करके एक शेप दिया जाता है और वो पार्ट्स आपका तैयार हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों कास्टिंग या फॉर्जिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस में कोई मटेरियल का रिमूवल भी नहीं होता है और कोई मटेरियल इसमें ऐड भी नहीं होता है। तो इस तरह का प्रोसेस को हम लोग जीरो प्रोसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी मटेरियल ऐड नहीं हो रहा है, कोई भी मटेरियल इससे रिमूव नहीं हो रहा है। जो दूसरा इसका प्रोसेस है दोस्तों वो है जॉइनिंग। कोई भी दो मटेरियल को या तीन मटेरियल को जॉइन करके एक नया मटेरियल को बनाना या मशीन को तैयार करना वो जॉइनिंग प्रोसेस हुआ। ये जॉइनिंग प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों कि एक मटेरियल को दूसरा मटेरियल के साथ जोड़ दिया जाता है या एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल को फिट किया जाता है और एक नया मटेरियल तैयार किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल का इसमें एडिशन होता है। तो इस तरह के प्रोसेस का हम लोग पॉजिटिव प्रोसेस कहेंगे। और तीसरा जो है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का वो है दोस्तों मशीनिंग। जैसे मान लीजिए कि कोई भी मशीन का पार्ट्स को रेडी करना है या मशीन को बनाना है तो उसमें क्या होता है, कभी कभी देखिएगा वर्कशॉप में उसमें मशीनिंग किया जाता है और कुछ मटेरियल्स को चिप्स के थ्रू मतलब चिप्स बन के वो निकल जाता है और वो आपका पार्ट्स रेडी हो जाता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस इसको हम लोग निगेटिव प्रोसेस कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में आपका मटेरियल का रिमूवल हो रहा है, मटेरियल वहाँ से आपका निकल रहा है। तो दोस्तों ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कास्टिंग, फॉर्जिंग, जॉइनिंग या मशीनिंग प्रोसेस है, इसमें आज हम लोग जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि ये जॉइनिंग प्रोसेस क्या है और इसी से हम लोग आगे ओल्डिंग के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये जो जॉइनिंग प्रोसेस है, जॉइनिंग प्रोसेस में देखिए कि दो मटेरियल को ज्वाइन करना रहता है। तो सबसे पहला इसमें कि पहला है दोस्तों जैसे फास्टनिंग करना, मतलब कि जब भी हम लोग दो मटेरियल को ज्वाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कि ये एक वर्क पीस है मतलब मटेरियल है और ये एक मटेरियल है। अगर मैं इस दोनों मटेरियल को बीच से एक नट बोल्ट के थ्रू अगर उसको मैं लगा देता हूँ, फास्टनिंग कर देता हूँ, तो ये एक जॉइनिंग प्रोसेस हुआ मेरा। तो इस तरह से भी हम लोग उसको जॉइनिंग कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों वोल्डिंग करना। दूसरा क्या है, वोल्डिंग करके हम लोग उन दोनों पीस को जोड़ सकते हैं, दोनों के बीच में हीट डेवलप करके दोनों को मेल्ट करके हम अगर ज्वाइन कर देंगे तो वो वोल्डिंग कहलाएगा। और जो दोस्तों तीसरा प्रोसेस है वो है सोल्डरिंग। ये सोल्डरिंग से भी हम लोग दो मटेरियल को जोड़ सकते हैं। या चौथा प्रोसेस आप बोल सकते हैं ब्रेजिंग, ये ब्रेजिंग करके भी हम लोग दो मटेरियल को जोड़ सकते हैं। तो ये दोस्तों जो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग प्रोसेस है ये दोनों आपका वोल्डिंग का ही एक स्पेशल केस है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग ये जो जॉइनिंग प्रोसेस देख रहे हैं, जॉइनिंग प्रोसेस में ये जो वोल्डिंग है, इस वोल्डिंग के बारे में जानेंगे कि दो मटेरियल को हम लोग कैसे वोल्डिंग करके ज्वाइन कर सकते हैं।
तो दोस्तों चलिए हम लोग आ गए अब ओल्डिंग पे, कि ओल्डिंग से हम लोग दो मटेरियल को कैसे जोड़ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ओल्डिंग एक्चुअली क्या है। तो दोस्तों देखिए, जैसे दो जो वर्क पीस है, इन दोनों वर्क पीस को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हम लोग मैकेनिकल फास्टनिंग नट बोल्ट से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओल्डिंग करके भी कर सकते हैं, सोल्डरिंग से भी और ब्रेजिंग से भी। तो हम लोग आज ओल्डिंग के बारे में स्पेशली जानेंगे कि ओल्डिंग एक्चुअली है क्या और ओल्डिंग क्या होता है, ओल्डिंग से हम लोग किसी दो मटेरियल को कैसे जोड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोग को से जानना चाहता हूँ दोस्तों, कि जैसे ये जो दो मटेरियल का वर्क पीस है, मतलब दो पीस है, क्या इन दोनों के बीच अगर मैं प्रेशर डेवलप करता हूँ, कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ से प्रेशर डेवलप करता हूँ और यहाँ से भी प्रेशर डेवलप करता हूँ, तो क्या दोनों एक दूसरे से चिपक सकता है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल चिपक सकता है। तो हम लोग कोई भी दो मटेरियल को प्रेशर अप्लाई करके भी उसके हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ये एक ओल्डिंग का प्रोसेस हुआ कि किन्हीं दो मटेरियल को अगर हम प्रेशर डेवलप करके या प्रेशर देके उसको चिपकाना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे, तो वो जुड़ सकते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, मान लीजिए इनके बीच में अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये वाला जो वर्क पीस ये थोड़ा सा मेल्ट होगा, ये वाला जो वर्क पीस ये थोड़ा सा मेल्ट होगा और दोनों एक दूसरे से जाके चिपक जाएगा। तो हम हीट के अप्लाई करके या विदाउट हीट को अप्लाई करके हम दो मटेरियल को जोड़ सकते हैं, प्रेशर को अप्लाई करके या विदाउट प्रेशर को अप्लाई करके इन दोनों मटेरियल को जोड़ सकते हैं। अब ये तीसरा एक कंडीशन है दोस्तों, कि मान लीजिए इन दो मटेरियल में हमको प्रेशर भी अप्लाई नहीं करना है, हीट भी नहीं देना है और जोड़ना है। तो जैसे तीसरा मटेरियल मान लीजिए, यहाँ पे मैं एक फिलर मटेरियल का यूज करूँगा। ये फिलर मटेरियल क्या है दोस्तों, आप इसको एक जनरल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम इन दोनों के बीच में फेविकॉल यूज कर देते हैं, फेविकॉल यूज करके दोनों को सटा देंगे तो ये जुड़ जाएगा। तो फेविकॉल क्या हुआ, इन दोनों के बीच में फिल हुआ, भर गया, तो उसको हम फिलर मटेरियल कह सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई हम मेटल का पीस को इन दोनों के बीच दे के, मतलब फिल करके और वो हीट डेवलप करके अगर दोनों को मैं मेल करा के जोड़ूंगा तो भी वो जुड़ जाएगा। तो इस तरह से जो वेल्डिंग है इसको अब हम लोग जान सकते हैं कि वेल्डिंग जो है वो एक जॉइनिंग प्रोसेस है। वो क्या है, ये जॉइनिंग प्रोसेस है। अब उस जॉइनिंग प्रोसेस में जो हम लोग यूज करते हैं प्रोसेस, जिससे हम लोग दो मेटल या दो मटेरियल को हम लोग जोड़ते हैं, वो पहला है कि प्रेशर अप्लाई करके हम लोग उसको जोड़ सकते हैं या विदाउट प्रेशर अप्लाई करके भी हम उसको जोड़ सकते हैं। तीसरा है कि हीट अप्लाई करके हम लोग जोड़ सकते हैं और विदाउट हीट अप्लाई करके भी हम लोग उसको जोड़ सकते हैं, या आप कह सकते हैं वो कि फिलर मटेरियल के यूज करके भी हम लोग उसको जोड़ सकते हैं या विदाउट फिलर मटेरियल का यूज करके भी हम लोग उसको जोड़ सकते हैं। तो देखिए कि दोस्तों ये जो प्रोसेस है, जॉइनिंग प्रोसेस, उसमें हम लोग प्रेशर का यूज कर रहे हैं और विदाउट प्रेशर का भी यूज कर रहे हैं, हीट के अप्लाई कर रहे हैं यूज कर रहे हैं या विदाउट हीट के यूज कर रहे हैं, फिलर मटेरियल की यूज कर रहे हैं या विदाउट फिलर मटेरियल की यूज कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इससे क्या होता है कि दो मटेरियल को हम लोग जोड़ सकते हैं और इसी दो मटेरियल को जोड़ने का जो प्रोसेस है, जॉइनिंग वाला प्रोसेस, इसी को हम लोग कहते हैं वेल्डिंग। इसको क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग, वेल्डिंग। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बस वेल्डिंग की एक जानकारी देना चाह रहा था कि एक्चुअली वेल्डिंग क्या है। तो वेल्डिंग का डिफिनेशन आप ऐसा दे सकते हो कि वेल्डिंग इज ए जॉइनिंग प्रोसेस। क्या वेल्डिंग एक जॉइनिंग प्रोसेस है, जो कि प्रेशर के अप्लाई करके या विदाउट प्रेशर अप्लाई करके, हीट अप्लाई करके या विदाउट हीट अप्लाई करके, फिलर मटेरियल के यूज करके या विदाउट फिलर मटेरियल के यूज करके हम लोग दो मटेरियल को या दो वर्क पीस को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। तो यही था वेल्डिंग। तो दोस्तों ये वेल्डिंग का जो आज का वीडियो है, ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला वो है टाइप ऑफ वेल्डिंग का रहेगा, और उसके बाद हम लोग जितने भी टाइप हैं सभी टाइप को एक एक करके हम लोग वेल्डिंग का प्रोसेस में जानेंगे। धन्यवाद।